खुशी की एक भाषण प्रतियोगिता होती है, वाद विवाद प्रतियोगिता होती थी। खुशी एक बार सर के लगाते हुए भैया करते हैं, उनका वीडियो नहीं आया। तुम लोग भी आ जाओ ना। रूपा जी ले आए हैं। हमारा विद्यालय परिवार और हमारा सामाजिक परिवार दोनों ही प्रसिद्ध। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे सामाजिक परिवार का, क्योंकि जो हमारे गुरुजन और हम लोग हैं, हम लोग तो विद्यालय परिवार के सदस्य हैं, लेकिन जो हमारे लेडीज और बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं वो पूरी तरह से हमारे गेस्ट हैं। तो सबसे पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। उसके बाद मैं स्वागत करना चाहूंगा अपने सभी आचार्यों दीदियों का जिन्होंने हमें यहाँ पे पढ़ाया, और माननीय प्रधानाचार्य जी का, जिसका जवाब नहीं होता कि अगर आपको पता नहीं है कि यहाँ का लॉ क्या है, आपने तोड़ दिया तो आपको फाइन तो लगेगी। और ये हमें मिला हमारे गुरुओं से जिन्होंने हमें पढ़ाया, और सिर्फ हमें किसी सब्जेक्टिव नॉलेज से नहीं, सभी अपने अपने हिसाब से हमें गाइड ही करते थे। आज भी बहुत सारे आचार्य हैं जिनसे हमारी या बाकी हमारे मित्रों की पर्सनल बातें होती रहती हैं। दूसरा जो सेल्फ स्कीम मैंने बात की वो इसलिए कही है कि आप समाज में कैसे आपको रहना है, किसके साथ कैसे एडजस्ट करना है, ये आप स्कूल में सीखते हैं। और ये तो बातें वैसे तो बहुत सारी चीजें हमारे जीवन को शेप करती है, बट ये तो बातें मैंने सिर्फ इसलिए उठाई है कि यही तो बातें हम स्कूल में सीखते हैं। पहला तो एक ज्ञान जो गुरुओं से मिलता है, दूसरा सेल्फ स्कीम जो हमें अपने साथियों के साथ रहने के, जिसको बिलोंगिंगनेस बोलते हैं, हम उसमें सीखते हैं और हम उसी के थ्रू आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लगभग 25 साल बाद, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम यहाँ पे इकट्ठा हुए, हमने सबने मिलकर ये तय किया था कि ये चीज यहाँ शिक्षा निकेतन में नहीं होती है, और कम से कम जो यहाँ इस प्रोग्राम का थीम है वो थीम ये है कि हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना है, और साथ अपने विद्यालय का भी कुछ जो हमसे हो सके वो वहाँ पे डोनेट करना है, या उनको एटलीस्ट ये बता रहे हैं सर विद्यालय के पास पैसे नहीं, बाकी पैसों की नहीं होती, जस्ट एक सिम्बोलिक है कि हम अपना ग्रेटिट्यूड उनके लिए प्रदर्शित करें। अब मुख्य प्रोग्राम में शुरू करना चाहूंगा, अगर हमारे ऑनलाइन मित्रों को मैं पूछना चाहूंगा क्या उनको आवाज आ रही है, क्लियर है, स्टार्ट करें। ठीक है, उसकी वजह से आज यहाँ पर हैं और शायद आगे जाएंगे वो उसकी वजह से जाएंगे। मैंने तिवारी जी से निवेदन किया था वो अपना बात एक मिनट में खत्म करें, मैं उनसे उनके 2 मिनट लेना चाहता था। मैं कुछ चीजें पुरानी चुकी है, अपना 25th ईयर सिल्वर जुबली है, मैं चाह रहा था कुछ चीजें मैं बोलूँ और शायद अच्छा लग, मतलब मैं सबको बताना चाह रहा था, बहुत लोगों ने यहाँ पर नहीं पता होगा, हमारी फैमिलीज भी यहाँ पर आई हुई है। जब हमने स्कूल ज्वाइन किया तो ममता दीदी हमारी क्लास टीचर थी, क्लास 2nd की बात है, हम लोग बहुत अच्छी तरह याद है। बोल रहे हैं और इतनी अच्छी तरह बोल रहे हैं, और इसके अलावा हम लोगों ने जैसे NTS की परीक्षा उस समय बहुत कम स्कूलों में कराई जाती थी, स्कूल ने अलग से अरेंज किया हम सबकी पढ़ाई के लिए, अलग से एक्सपर्ट्स आते थे इलाहाबाद से पढ़ाने के लिए,
और अब मुझे याद है कि बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोग के बैच से पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोग के बैच के बच्चे आगे इंटरव्यू तक पहुँचे। सौमित्रदा वहाँ पर हैं आज, आज संचालन समिति में जो लोग हैं वो सब बहुत अच्छे अचीवर रहे और उन्होंने बहुत अच्छा उस समय के हिसाब से स्कूल के हिसाब से बहुत बहुत अच्छा समय किया था। मैं लास्ट में बस ये कहना चाहूँगा कि मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। मेरे जीवन में इससे बड़े और अनमोल क्षण कभी नहीं, मतलब मेरे हिसाब से मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आगे जो भी करूँगा आप लोगों के आशीर्वाद से करूँगा, आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा हम लोग को मिलता रहे। धन्यवाद अभी सक्सेना जी। और सक्सेना जी के बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय में हमारी क्लास में ही हमेशा से टॉपर थे, सभी इस बात को जानते हैं। थोड़ा सा वॉल्यूम इसका कम, इसका वॉल्यूम हल्का, ठीक है? आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है, आवाज़ आ रही है उधर लास्ट। अमित सक्सेना जी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अमित सक्सेना जी हमारे विद्यालय के हमारी क्लास के टॉपर रहे और लगभग लास्ट तक इन्होंने टॉप किया और आई थिंक शायद गर्ल्स में इनकी पोजीशन भी थी, मुझे श्योर नहीं है क्योंकि ये बीएससी इंटर कॉलेज में पढ़ते थे। और अभी इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीटेक है, इन्होंने देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक किया है, वर्तमान में पुणे में है और एज अ सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर कॉग्निजेंट में कार्यरत है। तो अमित सक्सेना जी बहुत ही कॉपरेटिव है, मैं इनसे पुणे में था 2011 में, तो मैं इनके घर गया तो मिलने। मैं आप लोगों से कहूँगा कि अगर कभी सक्सेना जी से कोई काम हो या किसी अपने भाई बंधु या विद्यालय के किसी से कोई किसी तरह का रेफरेंस चाहिए हो, ये पक्का सभी को सभी से बात करते हैं, सभी की हेल्प करते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कभी हो तो आपके सक्सेना जी आपके काम आ सकते हैं। अरुण अवस्थी जी, बाकी लोग अपना माइक म्यूट करें। अरुण अवस्थी जी अगर है तो कृपया अरुण अवस्थी जी 10 सेकेंड। एंड गुरुजनों को मैं प्रणाम करना चाहूँगा। 25 साल बाद जुड़कर सभी लोगों से बहुत बहुत अच्छा लगा। कई कई बार मन में या अंतर मन से आवाज़ आती थी कि विद्यालय चला जाए, विद्यालय के लोगों से मिला जाए, बट कई वजह भी जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव चलते रहते थे, कभी समय नहीं मिलता था, कभी कुछ नहीं होता था। बट आई वुड लाइक टू से अ सिंसियर थैंक्स टू दी एंटायर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, संदीप और पूरी टीम, आशीष गुप्ता, राहुल द्विवेदी और जो लोग भी सौमित्र और जितने लोग भी वहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिनकी अपॉर्चुनिटी उन्होंने प्रोवाइड कर दी। 10 साल विद्यालय में पढ़ा, कक्षा प्रथम से लेकर 10th क्लास तक। हमेशा दिल में ये बात आती थी कि 10वीं के बाद की काश हमारे टाइम में विद्यालय अगर होता तो शायद जीवन में कुछ और डिफरेंट टाइप का शेप अप मिल जाता। बट यही बोलना चाहूँगा कि जीवन में जो कुछ भी विद्यालय की दी गई वैल्यू अच्छी पोजिशन पे काम करते हैं, मुंबई में है, बहुत ही अच्छी। जब मैं मऊ में होता था तो मेरी इनसे अक्सर बात हुआ करती थी, शायद ये कभी पॉजिटिव बैठते थे और मिलने का हमारा कुछ प्लान था बट हो नहीं पाया। बट अगर किसी को ऐसी कोई जरूरत हो, कोई मुंबई जाता है तो वहाँ से पक्का संपर्क आप कर सकते हैं। करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें वो फाउंडेशन को नींव की है, जिसके बल पर आज हम सब मजबूती के साथ अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। इस विद्यालय ने शिक्षा दी है वो हमें हेल्प कर रही है हमारे कर्तव्यों का निर्वाह करने में और एक एथिकल वे में जीवन जीने के लिए। हर वो छोटी से छोटी चीज जो हमने विद्यालय में सीखी है, चाहे वो ध्यान स्थिति हो या वो हमारे अतिथियों का मार्गदर्शन लिखना हो, इन सब ने हमारे जीवन में हमको सिखाया है कि फोकस कैसे करना चाहिए चीज़ों पर। और इस हर छोटी 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 चीज की वजह से आज हम लोग जो भी कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छा फोकस करके कर पा रहे हैं। धन्यवाद गौरव पांडे जी। अब गौरव पांडे जी का मैं परिचय आपसे करा दूं। ये थोड़ा हाईली एजुकेटेड है हमारे ग्रुप में, अभी बेंगलोर में है, IIT से इन्होंने IIT रुड़की से इन्होंने अपना बीटेक किया है और इसके बाद IIM बेंगलोर से इन्होंने अपना MBA किया हुआ है। अभी सीनियर मैनेजर है साइक्लिंग वॉक में, मुझे तक ज़्यादा टेक्निकल कंपनीज का नाम नहीं पता है, आप लोग ज़्यादा अच्छी तरह पता होगा। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अभी थैंक बोलता हूँ कि उनकी वजह से आज मतलब जो कुछ भी मैंने पाया है अपनी लाइफ में सब उन्हीं के बदौलत पाया है। विशेषकर वाजपेयी जी ने मेरा बहुत मतलब किया, मुझे बहुत ही मुझे बहुत निखारा। वाजपेयी जी जब मैं सानिध्य में आया तब उन्होंने मुझे बहुत निखारा। उससे पहले तो मैं एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन 9th में ही मैंने आगे थोड़ा पढ़ना शुरू किया था। उस
किसी की बदौलत आज जो भी हूँ मैं नहीं की बदौलत हूँ। और इसी के बाद मैं किसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। प्रीतेश भाई वाजपेयी अचानी बहुत खुश हो रहे थे आपकी बात सुन के। उन्होंने बीई एमबीए किया हुआ है और अभी सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर है। प्रीतेश वाजपेयी जी आप जैसे मैं आपको संकेत करूंगा कृपया आए। इस प्रकार से सभी लोगों ने बोला कि किस प्रकार से हमारे विद्यालय का और हमारे गुरुओं का हमारे जीवन में और हमारे करियर में कितना बड़ा योगदान रहा है। मैं कुछ बातें यहाँ पे आगे करना चाहता हूँ कि छोटी छोटी बातें जो हमारे विद्यालय में हुई हुआ करती थी जो उस समय हमें महसूस नहीं होता था कि वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। और आज जब हम समझदार हैं तो हम समझ सकते हैं कि वो कितनी इम्पोर्टेंस रखती थी हमारे जीवन में और स्कूल के टाइम पे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सुबह सुबह जब स्कूल जाते थे तो हमें अपना शूज उतार के जहाँ पे भी कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पे गायत्री मंत्र और चैंटिंग ऑफ ओम नमः उसका इतना प्रभाव होता है आज हमें पता नहीं है। ऑफिस में कितना भी बिजी हूँ सुबह उठते ही चैंटिंग करता हूँ। यहाँ पे जितने अमेरिकन्स हैं जिनको अपना स्ट्रेस दूर करना होता है इनको फोकस करना होता है वो सब फॉलो कर रहा है। तो ये हमारा विद्यालय हमें सिखाता था बचपन से कि कैसे करना है। दिन की शुरुआत आपको ओम से करनी है, गायत्री मंत्र से करनी है। गायत्री मंत्र का प्रभाव अहम है। और दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगा कि हमारा विद्यालय सिर्फ विद्यालय नहीं और है एक गुरुकुल की तरह रहा है जिसमें पढ़ाई के अलावा हर चीज़ का समावेश किया गया है कि हमारा कल्याण हो, हमारा जो डेवलपमेंट हो वह हर तरह से ना कि सिर्फ एजुकेशन के देखते हुए। जैसे स्कूल में इलेक्शन्स मतलब कमिटी बनाना, मिनिस्टर बनाना, प्राइम मिनिस्टर होना, न्यायाधीश होना और जुडिशरी होना, केसेस दवाई करना, राइट। मुझे याद है किसी सर हमारे क्लासमेट ने शायद बाथरूम कर दिया है ग्राउंड में तो उसका केस चला। मतलब हर तरह से मतलब बच्चों को हर फील्ड में कैसे कैसे वर्क करती है ये सब सिखाना एक कम उस कम एज में मतलब 8-9-10 में बहुत बड़ी बात है। ये स्कूल का योगदान है। मैं कह सकता हूँ बड़े हद से कि पूरे विश्व में ऐसा कोई स्कूल नहीं होगा जो बच्चों को ये सब सिखाता हो। इसलिए मैं बहुत ही बहुत आभारी हूँ। और एक बार फिर से मेरे एट क्लास में कच्चा चार वाजपेयी जी हुआ करते थे उन्होंने बहुत हेल्प करी है और उनको नमन, अभी जी को नमन और सभी गुरुओं को नमन। पता है इसमें रात का 2 बज रहा है आपके यहाँ मिसौरी में। आपकी सुबह आपसे बात हुई थी, आपको बोला था कि यहाँ पे रात में 2 बजेगा जब आपका ये प्रोग्राम शुरू होगा अलार्म लगा के बैठे हो और इसमें जो बैठे हो दिखने से एकदम फ्रेश लग रहे हो और आप मेंटेन भी रखे हुए हो। राज क्या है, अमेरिका का राज है कि और कुछ बात है? मेरा सादर चरण स्पर्श सभी आचार्य जी दीदी जी आपको बहुत बहुत चरण स्पर्श। आप सबको दोबारा देख के बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारे दोस्तों के संपर्क में मैं था लेकिन इस आयोजन से बहुत सारे और पुराने छात्रों से मुलाकात हुई और बहुत बहुत धन्यवाद संदीप और टीम इन्होंने इस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया और इतनी दूर होकर भी इवन जो हम वहाँ नहीं हैं लेकिन सबसे मिल पा रहे हैं, सबसे बात कर पा रहे हैं। क्षमा चाहता हूँ आज रविवार के दिन बच्चे पीछा नहीं छोड़ते। तो
अभी वो भेज दिया है बाहर। तो जैसा कि हमारे पुराने हमने बोला कि एक मजबूत इमारत का जो मजबूत इमारत होती है उसका जो फाउंडेशन होता है वो डिटरमाइन करता है कि इमारत कैसी होती है। तो आज हम जो हैं वो उसी बेस की वजह से हैं। तो वो जैसा हर चीज़ जो अमित ने बोली, रितेश ने बोली, गौरव ने, वो एकदम सही है कि जो आज हम पूरा मेडिटेशन की तरफ जा रहे हैं और जो हम वहाँ डेली करते थे एज अ पार्ट ऑफ रूटीन ध्यान स्थिति, आज वो मस्ट हो गया है। तो ये सारी बातें बहुत एज अ रूल जिन्होंने जो बहुत ज़रूरी थी और जिनका इम्पोर्टेंस आज पता चल रहा है और जिनकी वजह से आज हम अभी भी भगवान की वजह से स्वस्थ हैं और सब ठीक है और अच्छे से प्रोग्रेस कर पा रहे हैं। तो वो मैंने कक्षा 6 से यह विद्यालय ज्वाइन किया और उसके बाद से ममता दीदी, मंजू दीदी, अमनीशी, रजनी दीदी और बहुत सारे आचार्यजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा संबिता खांडेकर जी को। संबिता खांडेकर अकेली ऐसी छात्रा है जो ऑनलाइन उपलब्ध है और मैं संबिता खांडेकर नहीं हूँ, संबिता केलकर हूँ और मैं पूना में अभी 1 साल से पूना में हूँ, इसके पहले मुंबई में थी। और अभी सुना स्कूल के जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे, तो वाकई में मतलब जो चीज़ों के बारे में हम सोचते भी नहीं थे वो इतनी इम्पोर्टेंट है इस समय। जैसे चैंटिंग बताया, ओम बताया, ओम का मतलब उच्चारण और ये सब, और हम लोग वो बोलते थे शिवोहम बोलते थे, जो उस समय उतना मतलब उस समय वो शिवोहम जब कंप्लीट होता था तो एक चैन की सांस लेते थे, लेकिन आज उस शिवोहम का पूरा मतलब जब पता होता है तो समझ में आता है कि वो रोज हम लोग से बुलवाया जाता था तो उसका कितना महत्व है हमारे जीवन में और वो सारी चीज़ें। और सबको बहुत ही मिस करते हैं हम लोग हमेशा से। हमारा शायद रीयूनियन ये पहला नहीं है हमारे बैच का, 2007 में हम लोग 10 साल बाद सब लोग मिले थे और उसके बाद हम लोग सब टच में हैं। टीचर्स से भी मतलब मेरा तो मिलना हो जाता है, मैं तो स्कूल तो उसके बाद भी 2-3 बार जा चुकी हूँ। और आचार्य जी हैं, अवनीश आचार्य जी, दिलीप आचार्य जी, श्याम आचार्य जी, अमित आचार्य जी, वाजपेयी आचार्य जी, सब और भी मतलब इन लोगों को तो कभी भूल ही नहीं सकते लाइफ में। गीता दीदी, रजनी दीदी, मंजू दीदी, मधु दीदी भी अब हमारे बीच में है, लेकिन मधु दीदी जो उस समय सबसे स्ट्रिक्ट टीचर मधु दीदी लगती थी, लेकिन अभी उनकी भी बहुत याद आती है कि वो जो डांटती थी वो ऐसे ही नहीं डांटती थी। ममता दीदी, मंजूषा दीदी और विलीना दीदी, सब बहुत अच्छे से सब लोगों ने हमें पढ़ाया। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ शैलेंद्र सिंह यादव जी को। शैलेंद्र सिंह यादव जी विवेक हैं और कृपया अमित जी, अमित आचार्य जी, अवधेश आचार्य जी और राजेंद्र आचार्य जी, मेरा धन्यवाद। ये आप सभी आचार्य जी और दीदी लोग हैं जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अभी आचार्य जी देखिए, दीदी लोग आप लोगों ने जो हमें देखा, हम बच्चे थे, आज हमारे बच्चे हो गए हैं और वो जो डिफरेंस है वो आज हम फील कर पाते हैं कि शिक्षा का स्तर में कितना चेंजेस आ रहे हैं। आपने 10th तक जितना हमें पर्सनली हमें केयर किया, उसके बाद मैं दीनदयाल में भी रहा, उसके बाद मैं रुकी गया, उसके बाद मैंने बहुत सारी जगह पढ़ाई की, इसके बाद मैं इतने साल से नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन जो पर्सनल केयर आप लोगों ने दी है वो तो शायद ही कोई दे पाएगा। और अभी जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनको जिस तरह की शिक्षा मिल रही है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप लोगों के ये संस्कार हैं जिसकी वजह से हम आज यहाँ पर हैं और आपके संस्कार हैं कि आज हम अपने परिवार को इतना रेस्पेक्ट देते हैं, उनके साथ में जुड़े हुए हैं। अभी मैंने इसकी कैमरा जूम हुआ तो मैंने ममता दीदी और मंजू दीदी को देखा, आज भी उतनी खुशी मुझे मिलती जब मैं आपको पहले देखता था। अभी ये अमित चाली को जूम किया
बेटी आप लोगों को देख करके बहुत खुशी मिलती है श्यामा चांदी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे फिजिक्स पढ़ाई, वाजपेयी चांदी ने मैथ पढ़ाई, अमित चांदी ने बहुत बहुत सहयोग किया, आप रणनीति दी, आप सभी की वजह से मैं यहाँ पर हूँ और मैं ये कभी नहीं भूलूंगा जितना आप लोगों ने हमारा सहयोग किया है, हमें इतनी शिक्षा दी, हमें जो नैतिक शिक्षा दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे पास ज्यादा बोलने के लिए कुछ है नहीं, सबको देख के बहुत अच्छा लगा और इतने सालों के बाद ऐसा मौका मिला कि आप सबसे बात कर पा रहा हूँ। और जैसा कि सब लोगों ने अपने पहले बोला कि आज हम लोग जहाँ पर हैं, हम सभी हमारे गुरुओं का जो उसमें विशेष योगदान है, उन्होंने हम लोग को जिस तरह से शिक्षा दी, हम लोगों का को गाइड किया, तो उस वजह से जहाँ पर भी हम लोग हैं सब लोग अच्छी जगहों पर हैं, बहुत खुशी हुई सबको देख के। तो उसमें हम लोग कभी उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता और हमेशा वो सब पुरानी दिन याद आते हैं, अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देख के। थैंक यू पार्टी जिन्होंने इतनी मेहनत के लिए हम सबको एकत्रित करने का करने के लिए उन सबको बहुत ज़्यादा प्रेम नमस्कार। जो लोग सारे वहाँ उपस्थित थे हम सब जो आए उनको नमस्कार। सारे मित्रों ने बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें कही और मतलब जो मन में था मैंने ऑलरेडी कह दिया है इसलिए, और बहुत बहुत सारी यादें हैं शिक्षा निकेतन की हम लोग के जीवन में और आज जो हम सोचते हैं जहाँ भी हम हैं सारी वैल्यूज जो हमें वहाँ से मिली हमारे फाउंडेशन में बहुत वर्क करती हैं। आज हम जहाँ कहीं भी हैं जो भी हमने खाई हैं जो भी हमने लर्न किया है उन सब वजहों से हम वहाँ यहाँ पे हैं। मैं अभी हूँ USA में मगर हमेशा जब भी अपने परिवार को याद करता हूँ अपने स्कूल को भी याद करता हूँ। मैं 2018 में आया था इंडिया, मुझे याद है कि मैं अपने छोटे बच्चे और वाइफ को भी लेके गया था शिक्षा निकेतन दिखाने के लिए। वो दिन था जिस दिन मैं सारे मंदिर जा रहा था, तो एक मंदिर मैंने मेरा शिक्षा का मंदिर था, मैं आज भी मानता हूँ, मैं बहुत भावुक हो रहा इस टाइम मगर मैं हमेशा जब भी कानपुर जाता था तो कोशिश करता था कि शिक्षा निकेतन जरूर जाऊँ। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि विद्यालय बंद होता था फिर भी मैं अंदर जाके घूम के आता था क्लासेस। एक बार मैं वाजपेयी जी को भी मिला वहाँ पे जाके, बहुत याद आती है सबकी। और बाकी रितेश वाजपेयी जी ने जो कहा कि जिस तरीके से शिक्षा निकेतन ने हमें सिखाया इस तरीके से मेरा चरण स्पर्श और सारे से पार्टियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन कि आप लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया। वेल, मैंने फर्स्ट से लेकर टेंथ तक 10 साल तक बिजनेस शिक्षा निकेतन में व्यतीत किए थे। ममता दीदी जो शुरू से आखिर तक मेरे साथ में थी, जिनका मुझे हमेशा सानिध्य मिला, वाजपेयी जी जिन्होंने मुझे गणित की ABCD सिखाई, उन्होंने ऐसी ऐसी टेक्निक सिखाई जो अभी तक मेरे काम में आती है, अभी भी मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ। रजनी दीदी जिन्होंने केमिस्ट्री सिखाई मुझे, बहुत सारे मंजू दीदी ने अंग्रेजी सिखाई, तो सबका बहुत ही सानिध्य मिला मुझे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सभी लोगों ने कह दिया कि लेकिन नींव जो रखी गई है मेरी वो वहीं पर रखी गई है, ना ही केवल शिक्षा के रूप में, चाहे शिक्षा हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे या एक्सरसाइज योगा जो हम लोग कंटिन्यूस करते थे, तो इन सब चीज जगहों में जो होना चाहिए सब जगह हम लोग का ध्यान रखा गया एक लाइफ में। वही मैं सोचता हूँ कि हम एक स्कूल के वो शिक्षा के लिए नहीं बाकी चीज़ों के लिए भी ध्यान रखा जाता है, जो केवल मैंने शिक्षा निकेतन में ही पाया। टेंथ तक तो हमने कोई ट्यूशन कह देंगे या कोचिंग इसका नाम ही नहीं सुना था, लेकिन टेंथ निकलने के बाद ये हमारा पैशन काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ हम लोग को बाद में, बट हमारी नींव मजबूत थी तो हम लोगों ने सर्वाइव किया। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अभी सभी से मिलना चाहूँगा। आदरणीय प्रधानाचार्य एवं अन्य सम्मानित गुरुजन ममता दीदी जी, सभी को चरण स्पर्श एवं मेरे जो सहपाठी संदीप, राहुल, सौमित्र, जो अनुज जो वहाँ पर समय फिजिकल रूप से उपस्थित हैं स्कूल में, उन सभी को सहर्ष धन्यवाद कि ये प्रोग्राम इस स्तर से संचालित किया जा सका।
और जो हमारे अन्य साथी वर्चुअल जुड़े हैं उनको भी ढेर सारा धन्यवाद। सभी साथियों ने सहपाठियों ने अपने अपने जो दिल के उद्गार व्यक्त किए, पर मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा बस कि हम लोग जब पढ़ते थे तब शायद इतना महत्व नहीं पता था इन चीज़ों का जो हम उसको पढ़ते थे, नैतिक शिक्षा का, आध्यात्मिक शिक्षा का। बट जैसे जैसे हम लोग उस एज में आ रहे हैं जहाँ बच्चे अपने स्कूल में जा रहे हैं, उनके कुछ ना कुछ अपने स्कूल में ऐसी खास बात जरूर थी जो हम लोगों ने अनजाने में जाने में सीखा और वो हमको आज इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस अवसर पर सभी गुरुजनों को ढेर सारा सम्मान देते हुए और ढेर सारा मतलब सम्मान, हम लोग कह नहीं सकते मतलब जो हम लोग दिलों में भाव रहे हैं इस समय जिस तरीके से हम लोगों ने वहाँ पर शिक्षा पाई है, और उस चीज़ को आज भी हम लोग मिस करते हैं कि डेफिनेटली ये चीज़ें हम लोग के बच्चों को मिलनी चाहिए। वर्तमान में लखनऊ में हूँ, टाटा मोटर्स में कार्यरत हूँ एज ए डिप्टी जनरल मैनेजर, और मैंने अपना बीटेक HBTI कानपुर से किया था 2003 में, और तब से मैं इसी कंपनी में, इसके बाद मैं पुणे में था, अभी ट्रांसफर होकर मैं लखनऊ में हूँ। तो आप सभी का इसी प्रकार से स्नेह आशीर्वाद मिलता रहे इन्हीं आकांक्षाओं के साथ। प्राथमिक जो स्कूल था वहाँ से पढ़ा हूँ, और मैं कानपुर में ही रह रहा हूँ। मैं एक MNC कंपनी है उसमें UP का ब्रांच मैनेजर हूँ, UP में रह के अपने काम को हैंडल करता हूँ। जो विद्यालय के पुराने शिक्षा में बड़ा अंतर है, विद्यालय के पुराने अनुभव तो ये है कि आज के समय में कोई भी स्कूल उस चीज़ को मैच नहीं कर पाता, क्योंकि आज की डेट में सिर्फ पढ़ाया जाता है, वहाँ पे हमको पढ़ाने के साथ साथ बहुत कुछ सिखाया जाता है। जैसा हमारे वर्चुअल सहपाठियों ने भी बोला कि हमको न्याय व्यवस्था से लेके छात्र संघ चलाना, ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल किसी स्कूल में नहीं होती और शायद कभी भी नहीं थी किसी स्कूल में। मेरा नाम सौमित्र है, मैं भी यही रॉबर्ट की बात को आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि जो जो यहाँ पे साया है उन हम लोग बताया कि हम लोग 80 या 82 विद्यार्थियों ने 25 वर्ष पहले हाई स्कूल एग्जाम दिया था, और आज की डेट में 40 विद्यार्थी एक साथ जुड़े हुए हैं। इसमें से 35 से 36 विद्यार्थी ऐसे हैं जो पहली बार बात की और आज जुड़ रहे हैं। त्रिपाठियाचार्य जी का भी मैं उनको भी आमंत्रित करूंगा और उनका भी सम्मान करेंगे हमारे साथ के सारे विद्यार्थी। इधर इधर देखिए भैया, थोड़ा साइड से। अनुरोध है ममता
भाग लेते हैं। हमारे सहपाठियों से अनुरोध है, कृपया देखिए उनका मैं नाम अनाउंस कर रहा हूँ, आप उनका भी सम्मान करें। आचार्य श्री श्याम जी से मेरा अनुरोध है, कृपया आए। सभी लोग आइए, आगे आ जाइए। और रजनी दीदी हमेशा से एवर स्माइलिंग थी, आज भी एवर स्माइलिंग ही है, हमेशा स्माइल रहती है, इनको पहले भी किसी ने दुखी नहीं देखा, अभी भी नहीं है। और लीना दीदी से मेरा अनुरोध है कि कृपया मंच पर आए, आपसे पीछे खड़े हो जाता आ गए अभी तो सर जी आ गए, हम उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। श्री अमित आचार्य जी से मेरा अनुरोध है, कृपया मंच पर आए और हमें कुछ सम्मानित होने का मौका दें, हम ये तो नहीं कहेंगे सम्मानित करते हैं, ठीक है, हो गए ठीक है। आचार्य श्री अमित जी उधर बस खड़े कर दो, अरे एक मिनट रुक जाए भैया, ग्रुप कर ले फिर बुला लीजिएगा। आचार्य जी अमित जी आप लोग दो आचार्यों को मैं और कर दूं, फिर आप लोग फोटो ले लीजिए। आचार्य श्री अवनीश जी हमारे क्लास टीचर और उनका भी पहला बैच हम लोग थे, अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर आए और हमें सम्मानित होने का मौका दें। आचार्य जी हम लोग सेवंथ क्लास टीचर थे, मैं अपने अध्यापकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमें सम्मानित होने का मौका दिया, हम तो चाहिए उनका सम्मान करेंगे, लेकिन अपने समय निकाला यहाँ पर आए
जो भोजन आए हुए सभी को प्रणाम करना चाहूंगा और आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस स्कूल एंड द एंटायर टीम ऑफ टीचर्स. तभी ने लाइफ अभी तक कंटिन्यू रोलर कोस्टर रही. बहुत से उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत कुछ हुआ है, बट समवेयर डीप आई फील कि इस स्कूल से जो सीखा था ना कंटिन्यू करने का चीजों को, वो सब आप लोगों की वजह से कि बहुत सारे कठिन रास्तों पे भी चलने की हिम्मत रही और कभी क्विट नहीं किया अभी तक. मेरे बहुत जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको पता होगा, मेरा उनको पता है. तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस फीलिंग जो या फिर ये जो इमोशन मुझे मिला था इस स्कूल से कि लड़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, फिर चाहे जो भी होता रहे तो कंटिन्यू करना है चीज़ों को. दैट आई गॉट थ्रू दिस स्कूल ऑनली एंड थैंक यू सो मच. सभी को मैं फिर से एक बार प्रणाम करता हूँ, फ्रेंड्स को करता हूँ. इस विद्यालय ने क्या दिया ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मिले. सबसे पहली चीज़ जो हम लोग स्टार्टिंग से आते थे जब हम लोग विद्यालय में आए, विद्यालय में प्रार्थना की, तो एक जो आध्यात्मिक हम लोग इसके बोलते हैं कि आध्यात्मिक चेतना का जो प्राप्त हुआ वो पहले इस विद्यालय से ही हुआ, जिसने वो बीजारोपण किया कि हम लोग योग ध्यान इन सब की ओर जुड़े. तो यहीं से मेरा इंफॉर्मेशन यहाँ से संस्कार प्राप्त करने के बाद ध्यान जो मुझे काफ़ी रहा और उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली. मैंने क्रिया योगा और नाच योगा के बारे में पूरा वो किया और कहीं ना कहीं रूट जो है वो इस विद्यालय से गुरुजनों के माध्यम से ही. और दूसरा चीज़ जो सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने सीखी, लाइफ में सभी के प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं अगर लाइफ में तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन जो विद्यालय से पहली चीज़ मिली थी कभी भी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी, हमेशा डट के उसका सामना करता रहना और चलते रहना. जीवन में समस्याएँ आएंगी जाएंगी, लेकिन जो आपका एटीट्यूड होता है टूवर्ड्स द लाइफ दैट शुड बी पॉजिटिव. तो ये इस विद्यालय से बहुत सीखने मिला और इन दो बातों के माध्यम से मैं बस यही कहना चाहूँगा सभी गुरुजनों को, सभी हमारे दीदियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरीके से हम लोगों का जीवन का निर्माण किया. पुनः आपको पुनः कोटि कोटि नमन. नमस्कार. आज यहाँ पे आके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है. मैंने यहाँ से निकलने के बाद फिर बेनर्जी इंटर कॉलेज में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी. उसके बाद यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी से बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और अभी मैं नोएडा में कार्यरत हूँ एज ए मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर एक ऑटोमोबाइल कंपनी. इस विद्यालय में आने के बाद, आज स्कूल में आने के बाद ऐसा लग रहा है कि सारी यादें ताज़ा हो गई और जैसा भी सारे दोस्तों ने ऑनलाइन बताया
वो सारी चीज़ें एक बार फिर से मन में रिपीट हो रही हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग सी आ रही है, तो बहुत ज़्यादा व्यक्त ना करते हुए मैं अपने अगले साथी को बुलाना चाहूँगा, अमित कटियार। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरु नमः। मेरा समस्त गुरुजनों को सादर नमन प्रणाम। आज 25 साल बाद हम यहाँ पे मिले हैं। आज यादों के गुल्लक से कुछ यादें अगर बाहर निकाले तो आज जितने भी अच्छा हमारे बैठे हुए हैं गुरुजन, सबको देख के कुछ ना कुछ याद आ रहा है। हमारे गणित के आचार्य थे, हमारे कक्षा आचार्य श्री अवनीश जी, गणित में यूपी बोर्ड में मेरे 98 नंबर आए हैं, वो उसके बाद कभी नहीं आए आचार्य। रजनी दीदी, आपने जो केमिस्ट्री पढ़ाई थी, जितना आपने पढ़ाया उसके बाद मैंने केमिस्ट्री दसवीं बार नहीं पढ़ी, इंटर में भी नहीं पढ़ी, अच्छे नंबर नहीं आए। लीना दीदी, मंजू दीदी, आपने जो अंग्रेजी पढ़ाई, अंग्रेजी में हाथ आज भी मेरा हाथ तंग है, क्योंकि एक तो मैं सरकारी सेवा में आ गया हूँ तो अंग्रेजी में पत्राचार होता है, हिंदी में होता है। ममता दीदी, आपने हिंदी पढ़ाई, भूगोल पढ़ाया, आपको पाया वो भूगोल, मैं दिल्ली में था, मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था तो भूगोल मेरा मैंने ऑप्शनल रखा था सब्जेक्ट के, आपका भूगोल भी जो आपने पढ़ाया मुझे बहुत आनंद दी। इसके अलावा मैं और क्या कहूँ इस स्कूल के बारे में कि मैं 8वीं में मैंने यहाँ एडमिशन लिया था, ये जिस साल उन्होंने 96 में हाईस्कूल यहाँ से पास किया उसके जस्ट बाद इंटर कॉलेज हो गया था। अब इसको हमारा दुर्भाग्य कहिए या जो भी कहिए, जब तक हम लोग रेजिडेंट कॉलेज में कल एडमिशन या फिर ट्रांसफर हो गए दीनदयाल चले गए, लेकिन वो इसमें और वो चीज़ दीनदयाल में उनको नहीं मिली जो यहाँ मिला था। वहाँ गए जरूर थे दीनदयाल में पढ़ने सब कुछ, लेकिन याद सब कुछ आज भी बनर्जी का ही है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, हमारे और भी साथी लोग यहाँ बैठे हैं, बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैं यहीं कानपुर में ही रहता हूँ, मैं इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हूँ, डिप्टी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, अगर वो कानपुर बिहार में मेरी कोचिंग है, कभी भी आप लोगों को मेरी किसी भी समय 24 घंटे कोई भी आवश्यकता पड़े आप मुझे याद कर सकते हैं, मैं 24 घंटे आपकी सेवा के लिए उपलब्ध हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपने बारे को विराम देता हूँ, धन्यवाद। सभी सम्मानित गुरुजन, प्रोफेसर, मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी की जरूरत है इस धन्यवाद को प्रेषण करने के लिए। हाँ, मैं कुछ माहौल को हल्का जरूर कर दूंगा, क्योंकि मुझे भी कुछ चीज़ें याद आ रही। मैंने अपने सहपाठियों को कहा था कि राजेंद्र जी मुझे सबसे ज़्यादा याद है, क्योंकि बहुत मजा आसन उन्होंने ही करवाया। ममता दीदी, आपने ऐसी हिंदी सिखाई कि हम कहीं पर भी किसी भी चीज़ की व्याख्या कर सकते हैं। मंजू दीदी ने इंग्लिश पढ़ाई, त्रिपाठी जी ने बहुत पढ़ाया तो नहीं, लेकिन हाँ मुझे याद है जो एडमिनिस्ट्रेशन रहा त्रिपाठी जी का से, स्पेशली मैं अपने आप को इसके कनेक्ट कर पा रहा हूँ, मैं कभी छोटी बस से जाता था, कभी जीप से जाता था, तो आचार्य जी का बड़ा आसानी से था। आचार्य के पास एक मोकेट हुआ करती थी, अभी मुझे नहीं किसी को हीरो मजिस्ट्रेट किया। हम लोग रावटगंज की ढाल पे उतर जाते थे, टेम्पो से आते थे, तो आचार्य जी कभी कभी हम लोगों को साथ में लेके आते थे। तो मुझे याद है एक दिन हम चार लोग आ रहे थे, मैं आशीष, आशुतोष गुप्ता, नागेश गुप्ता और संदीप निर्देश है। तो आचार्य जी ने हम लोगों को जाते हुए देखा तो बोला कि आ जाओ सब लोग बैठे, तो हम लोग बैठे तो आचार्य जी की मुख्य स्थानीय छोटी छोटी घटनाओं से हम आज भी अपने आप को विद्यालय से जुड़े हुए हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमको इस मंच पे आने को एक बार फिर से अवसर दिया आदरणीय आचार्य जी का, हम लोग सबसे धन्यवाद। इसके साथ ही मैं अच्छा मैंने अपना परिचय भी किया, मैं बीटेक हूँ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जेंट्स, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीटेक किया और फिर मैंने MBA किया, अभी MBA कंसल्टिंग में एज ए प्रोग्राम मैनेजर गुड़गांव में।
इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर आशीष गंगवार का। मैं सभी आचार्य और दीदियों का अभिवादन करना चाहूँगा और चरण स्पर्श करना चाहूँगा। आचार्य ने हमें इस मंच पर आने का मौका दिया, उनका भी अभिवादन। मैं शाम की एक बात जो पता होगी सभी लोगों को कि यहाँ पर नंबर जो है बहुत कम दिए जाते थे, बहुत ही कम। और बटे वाला जो है 1/8, 1/4 शाम जी ही नंबर लेते थे उस तरीके से। 1/16 भी दिया है हमने। और आचार्य जी के पास जाने के बाद जब मैं पूछता था कि जितना लिखोगे उतना ही तो मिलेगा, इससे ज्यादा कैसे दे दे तुमको, मैंने कई सारी छोटी छोटी बातें हैं जो, और एक विद्यालय की तरफ से अनुशासन जो हमें सिखाया गया अभी भी हम उसका पालन कर रहे हैं। और मैंने अपना MBBS कंप्लीट किया था 2009 में, एंड आफ्टर दैट आई एम डूइंग माई MD इन रेस्पिरेटरी मेडिसिन एंड डूइंग माई रेजिडेंसी फ्रॉम रामा मेडिकल कॉलेज मंदना। तो मैं अभी यही कर रही हूँ, अगर किसी को कभी किसी तरीके की डॉक्टरी सलाह की जरूरत हो तो आप उनसे संपर्क कर सकते हो। क्वालिफिकेशन तो बहुत कम, पर एक्चुअली मैं बात करूँ आज डेट में, इस स्कूल ने मुझे एक इंसान बनाया जिसके लिए मुझे हमेशा गर्व है। कभी ना हारने का जज्बा इस स्कूल ने मुझको दिया है। और प्रोफेशनली आज की डेट में मैं सिविल कॉन्ट्रेक्टर हूँ, गवर्नमेंट सर्टिफाइड, और मैंने मैनेजमेंट डिग्री कम्प्लीट करी है, इसलिए मैं टाटा फाइनेंशियल प्लानिंग भी करता हूँ। धन्यवाद। और प्रणाम, मेरा नाम प्रवीण वर्मा है और मैंने बीटेक किया है इंटरमीडिएट के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, और मैं अपना खुद का सौर ऊर्जा का स्टैंड काम कर रहा हूँ का। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो शिक्षा मुझे यहाँ तक मिली है, संस्कार मिले हैं, जो आशीर्वाद कहेंगे, जो हम लोग को शिक्षा मिली है, वही हम लोग को आज हमारे जीवन में आगे बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और दीदियों को मेरा स्वागत है। मैं राहुल त्रिवेदी, मैं कभी एक बात ऐसी बोलूँगा कि अभी तक किसी ने नहीं बोली, मेरे ख्याल से किसी के पास नहीं है। मैं यहाँ पे मौजूद एक ऐसा पहला छात्र हूँ जिसने शिशु काम में एडमिशन लिया था और आशा दीदी मेरी क्लास की करती हैं। उसके बाद ममता दीदी मेरी क्लास टीचर रही, उसके बाद हरी 6 में क्लास टीचर रहे, ममता दीदी रही, उसके बाद 9-10 से अमीन जी क्लास टीचर रहे। एक अच्छी चीज़ जो हर स्कूल में नहीं होती जो होनी चाहिए, जब हम लोग 10th में थे तो हर 2 बच्चे को एक मेंटर दिया गया था और मेरी मेंटर रजनी दीदी थी। तो हम लोग शाम को 1-2 घंटे वो सिर्फ ये बताती थी कि तुम्हें करना चाहिए पढ़ाई के बाद, और वो चीज़ें बहुत अच्छी थी। एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो मेरे लिखे हुए नोट्स थे वो मेरे छोटे भाई बहनों ने पढ़े, क्योंकि वो उनके लिए एक प्रकार की गाइड थी। वो शिक्षा निकेतन का इस करता जो किसी स्कूल में नहीं है और ना कभी हो पाएगा। सभी ने सारी चीज़ें शेयर की, बहुत अच्छा लगा, बचपन दोस्तों ने भी शेयर की। मैं थोड़ी सी आगे की बात रखूँगा, जो लास्ट ईयर की क्राइसिस हमारे स्कूल ने देखी और जिसकी वजह से टीचर्स गए और बहुत से लोगों पूरे इंडिया में सबको नुकसान हुआ। इतनी बड़ी एलुमनाई जो आज 96 में से प्रधानाचार्य जी के द्वारा स्टार्ट हुई है और जो मेरे ख्याल से 97-98 ऑनवर्ड सब चलती रहनी चाहिए, सो लेट अस यूनाइट ऑल दीज थिंग्स, लेट अस मेक सम फंड्स फॉर द स्कूल एंड वी ऑल आर। सारे बच्चे जो बच्चे थे
मेरे ख्याल से सभी लगभग 30% इनकम टैक्स के दायरे के ऊपर हैं और इनकम टैक्स देते हैं। तो क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि कोई एक ऐसा फंड बनाए जिसमें सबको इनकम टैक्स में भी बेनिफिट मिले, वो पैसा स्कूल में दें जिसका उपयोग ऐसी मेडिकल इमरजेंसी में हो, जिसका उपयोग अगर किसी आचार्य का बच्चा आगे बढ़ना चाहता है तो उसको लोन ना लेना पड़े, जिसका उपयोग ऐसा हो कि अगर कोई बच्चा विद्वान है अच्छा है और वो फीस नहीं भर सकता उसको हमने उतार सके। तो ये मेरे ख्याल से 96 अगर इसकी शुरुआत करता है तो थैंक यू सो मच। भैया का बड़प्पन है कि वो कह रहे थे ऐसा ऐसा नहीं है भाई जी, मैं तो वैसे तो नहीं है, तो काफ़ी मेहनती पढ़े लिखे थे और एक काम और करते थे, इनका फिजिकल बहुत अच्छा था उस समय, कराटे और जूडो वगैरह कुछ करते थे और अक्षय कुमार का स्टंट दिखाया करते थे हम लोगों को अपने ग्राउंड में, अपने दोनों पैर फैला के वो अभी उनको देखती है मत समझिए कि उनका ऐसी हाल था। देखिए जोक से बात, मैं तो इस दिन से बोल ही रहा हूँ तो अलग से करने का कोई मतलब नहीं, मैं बस दो लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, एक तुम्हारे क्लास टीचर श्री अनिल जी, अच्छा जी तुम्हारी अक्सर मुलाकात होती रहती है और बहुत ही फ्रेंडली है और आप भी सभी से वो एवन की स्माइल वाले वही हैं और दूसरे रजनी विधि का एक्चुअली जो साइंस और कॉन्टेस्ट में रहा है वही समझता है, बाकी लोगों को एक्चुअली नहीं पता है, हमें सक्सेना को पता है हमें और विकास लोग अगर कोई होंगे तो आई डोंट नो। तो हम लोग कक्षा 8 से 9 10 लगातार वहीं जाते रहे और रजनी दीदी जो है आउट ऑफ वे जाके हमारी हेल्प करती थी, प्रधानाचार्य भी शुरू में कॉपरेट नहीं करते थे, बाद में तो करने लगे जब वहीं जाने लगा और वो हमेशा हम लोग को मोटिवेट करना, आने जाना, शाम को लाइट खुली रहती थी 7-8 बजे तक हम लोग यहाँ पे बैठे, तो उनका मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उसका कारण ये है कि मेरा एम था कि जहाँ पे आपको पर्सनैलिटी की थोड़ी ज़्यादा जरूरत थी, ऐसी चीज़ों से एटलीस्ट मेरी पर्सनलिटी डेवलप हुई जिससे मैं फौज का एग्जाम क्लियर कर सका SSB वगैरह, जिससे मुझे हेल्प मिली जो जनरली यहाँ थोड़ा सा वीक रह जाता था, क्योंकि मैं दोस्त में भी था और राजेश चाचा भी इसमें मेरा बड़ा लगाव है, वो तो जानते हैं शुरू से, सेना भी इसमें थे और दिनेश में भी होते थे, तुम भी थे चलो तुम्हारा चीज़ याद है, तो हम लोग दोस्त में भी थे और बहुत शुरू से थे, जब दोस्त में सबसे पहले बाहर से इंस्ट्रक्टर आते थे तो गर्मी की छुट्टियों में आके सक्सेना में आकर कुत्ता और इन लोगों ने आके ये सीखा था और आचार्य जी के साथ हम लोग 9 तक दोस्त बजाया और हर जगह जाते थे, इवन अटल जी ने जब विजयनगर चौराहे का उद्घाटन किया था तो उनके स्वागत में भी हम लोग गए, हाँ परेड भी नहीं आएंगे और क्योंकि बिल्कुल सबसे अच्छा बजाते थे हम लोग पूरी बैंड में जितने भी स्कूल के अवेलेबल थे। तो बाकी दीदी ने हम लोग को बहुत कोऑपरेट किया, रात तक चलती थी, अभी कभी कभी 10 बज जाते थे साइन बॉल जाते थे वो काफ़ी देर तक रुकती थी उतनी देर तक, तो उनका मैं जरूर आभार व्यक्त करना चाहूँगा क्योंकि आउट ऑफ द वे जाके काम करने वाली बात है, छुट्टी होने पर आती है अपने घर जाना चाहते हैं प्रॉब्लम साइड कर दी है। अच्छा अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ, मैं ज़्यादा समय नहीं लेंगे अब हम लोग क्योंकि सभी बाहर से इकट्ठा हुए तो अपनी बातें कहने का सबको गाइड बन रहा है, अभी सिर्फ आधा घंटा और लगेगा और मुझे उम्मीद है सब लोग उसी उत्साह के साथ सहयोग करेंगे। अब हमारे जितने भी सहपाठी यहाँ है आप ही लोगों का प्रोग्राम है,
छात्र उन छात्राओं के लिए जीवन में अपने निरंतर प्रोग्रेस करें, और जैसा हम लोगों का विषय था कि अनुशासित होकर जब करेंगे प्रयास तो सदैव सदैव अपने जीवन में और इसमें ज़्यादा प्रोग्रेस करें। यहाँ आए हुए और जो मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं छात्र छात्राएँ, उनको मेरा शुभ आशीर्वाद। आप सभी जीवन में सदैव उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहें, यही मेरी शुभकामना है। क्योंकि गुरु ही ऐसा होता है जो अपने से अधिक उन्नति अपने शिष्य की चाहता है। सर्वत्र विजय कांक्षेत शिष्या पुत्रा पराजय। सभी जगह व्यक्ति अपनी विजय चाहता है कि हम आगे निकले, लेकिन अभी शिष्य से आगे नहीं निकलना चाहता गुरु, और अपने पुत्र को भी उतना ही महत्व देता है। तो आप सभी पुत्रवत रहे हमारे लिए, और आप सभी जीवन में उन्नत करें, और सब सबको आशीर्वाद है मेरा शुभकामना। सभी छात्र छात्राओं को शुभ आशीर्वाद। सभी छात्र छात्राएँ अपने लक्ष्य की ओर निष्ठापूर्वक कार्य करते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें, यही मेरी भगवान से। और मैं तो ये कहूँगा कि आप लोगों का प्यार सराहनीय है। What joyous rains upon me when I see fame in the mirror of eternity, waving chaplets you have yet to bend, then I feel I have not lived in vain. अभी सभी बच्चों से सुनकर कि वो कितनी कितनी अच्छी स्थिति में हैं, बहुत जहाँ पर भी हैं, हाई पोजीशंस पर हैं, उन्हें अभी लाइफ में और भी बहुत कुछ मिलने वाला है। तो ये सब फील करके, ये सब देख करके मुझे लगता है कि मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा जीवन कहीं से भी कोई कमी हमारे जीवन में नहीं रही है। और हम लोग आप लोग को खुश देख कर, स्वस्थ देखकर बहुत ऊर्जावान हो गए हैं। ऐसे ही जीवन में प्रसन्न, स्वस्थ और शांतिपूर्वक जीवन बिताएं और अपने अपने क्षेत्र की बुलंदियों को छुएं। आज इस सुंदर अवसर पर जब 1996 बैच के विद्यार्थियों ने आज यहाँ पर रजत जयंती अलुमनाई का आयोजन किया है, बहुत सुंदर स्मरणीय आयोजन है। वास्तव में इस अवसर पर अपने को सभी बच्चों को, जिन्हें मैं सामने प्रत्यक्ष देख रही हूँ या मैंने ऑनलाइन उनको देखा है, मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हुई। अमित सक्सेना, राहुल द्विवेदी और भी सभी बच्चे, जो बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन मुझे नहीं दिखे हैं आज, मुझे उन सब बच्चों की भी आज बहुत याद आई। मैंने भी गौरव वाजपेयी से पूछा कि भैया सौरभ वाजपेयी भी तुम्हारे भाई पढ़ते थे, उनकी भी मुझे याद आ रही है। राहुल द्विवेदी से पूछा कि भाई अरुण अवस्थी भी तुम्हारे मित्र थे, तुम्हारे साथ आते थे, वो कहाँ है, उनकी मुझे याद आ रही है। तो जो बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन नहीं दिखे मुझे आज, मुझे उनकी भी बहुत याद आई।
पल्लवी से पूछा कि श्वेता कहाँ है। इस ग्रुप में सुदीप गुप्ता भी थे, विपुल कुलश्रेष्ठ भी थे, विकास अग्रवाल भी थे। और विकास जैन से मैं पूछना चाहती हूँ कि इनके साथ इनके कजिन पढ़ते थे, शायद सौरभ जैन का नाम था, उनकी मम्मी ने पार्लर खोला हुआ था। मुझे उस बच्चे की बहुत याद आई, तो मुझे उन सभी बच्चों की याद आई जो 1996 बैच के थे, मुझे नहीं दिखे हैं, उनकी विशेष रूप से याद है। तो इस अवसर पर मैं हर्ष से अत्यंत अभिभूत हूँ। बहुत सुंदर कार्यक्रम आपने किया, आप लोग इतने ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, यह देख करके और सुन करके आत्मिक आनंद की अनुभूति, क्योंकि शिक्षा निकेतन के बच्चे अपने संस्कारों के साथ साथ अपने जीवन में ऊंचे आयामों पर देखे गए हैं अभी तक, और उनमें से कुछ उदाहरण आप लोग सामने हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों की पढ़ाई, आप लोगों के माता पिता का परिश्रम त्याग, और हम लोगों की भी जो कामना थी, हम लोगों का भी जो आपके प्रति जो दायित्व था, वो दायित्व आप लोगों ने पूरा किया है। वास्तव में ये विद्यालय की सफलता है, हम सब शिक्षकों की सफलता है। आप लोग अपने जीवन में निरंतर, मुझे शब्द नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किन शब्दों से आपको आशीर्वाद दूं, कि निरंतर आप सफलताओं के उच्चतम सोपानों पर आगे बढ़ते हुए शीर्ष सोपान पर आप प्रतिष्ठित हो, ऐसी मेरी ईश्वर से शुभकामना है, और मेरे हृदय से आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, धन्यवाद नहीं कहना चाहिए, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। आपके साथ आपके परिवार को भी हमने देखा, बहुत अच्छा लगा, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इनका कलरों भी आनंदित कर रहा है, बहुत अच्छा लगा। पुनः सभी के लिए बहुत बहुत शुभाशीष। मैं आज काफ़ी प्रफुल्लित व आनंदित भी हूँ कि जब मुझे पुराने क्षण याद आ रहे क्लास के, जब मैं 96 के साथ बच्चों के साथ जुड़ा था, मैथ भी पढ़ाता था, क्लास टीचर भी था। अमित भैया मेरे बहुत फेवरेट स्टूडेंट थे, अमित सक्सेना भैया, शैलेंद्र सिंह यादव, संदीप पांडे भैया, सब लोग आते थे जो है, और हम लोग एक तरह से मित्रवत रहते थे वहाँ पर क्लास में। भाई जो आपको पूछना है वो पूछिए, आज भी वो क्षण याद है। और जितने भी भैया हैं, अभिनव अवनेश अग्रवाल भैया, अभिनव मिश्रा अभी तक याद किया, तो वो आप और मेरी ईश्वर से ये कामना है, जिनके परिवार के सदस्य भी आए हुए हैं, सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी भैया बहनों को जो है और अच्छे उच्च पद पर पहुँचे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। अपने जीवन में योग और ध्यान इसको हमेशा धारण किए रहिए, इसी से जीवन के जो आगे का पुण्य मिलने वाला है, क्योंकि इसकी ओर कोई भी विद्यालय ध्यान नहीं देता है। हम लोग सीखे हैं, सूर्य नमस्कार बहुत किया होगा आप लोगों ने, बाहर वाले मैदान में बहुत घोखरू बीने हैं, कंकड़ पत्थर बीने हैं, क्योंकि वहाँ इस समय जो घास है, अभी आप लोग बाहर है, इस समय जो घास है पहली वजह थी घास नहीं थी, कंकड़ थे, अगर फुटबॉल में गिर गए तो घुटना छिलना है, तो इसलिए योग और ध्यान करते रहिए, जिंदगी में सफल होइए और आगे बढ़ते रहिए, यही कामना है। मेरे बच्चे सदैव मेरे दिल के पास रहते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी जुड़े रहते हैं मेरे साथ, और केमिस्ट्री मेरी सभी बच्चों से बहुत अच्छी है। मेरी टीम में अमित भैया, अमित सक्सेना, संदीप पांडे और एक आध दो और बच्चे थे जो मेरे साथ कई जगहों पर विज्ञान प्रदर्शनी में गए, और हमने सबसे पहले विद्यालय में एक
ट्रॉफी IIT से भी जीती थी और सभी बच्चे मुझे आज भी बहुत प्यार करते हैं। मैं उनके कभी मेरे लिए मेरा पूरे जीवन का यही अर्जन है कि मेरे बच्चे मुझे बहुत सम्मान देते हैं, मैं इसी से अभी हूँ। बस मेरी एक दिली इच्छा है कि आपकी जितनी भी फैमिली आई है मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, उनके साथ मेरा एक फोटो भी खिंचवा दूँगी। हेलो बच्चों, आप बच्चे कहने में मुझे थोड़ा सा संकोच होता है क्योंकि आप लोग फादर बन चुके हैं लेकिन मेरी नज़र में आप बच्चे ही रहेंगे। और शिक्षा निकेतन में आपने ये जो रजत जयंती समारोह ऑर्गेनाइज किया है, इतनी दूर रह करके भी आपके दिलों में हम लोगों के लिए जो सम्मान है उसका हम सब दिल से स्वागत करते हैं। और शिक्षा निकेतन के बच्चों की एक सबसे अच्छी बात ये है जो where there is a will, there is the way कि हम जहाँ चाहते हैं वहाँ राह बना देते हैं और हमारे आगे जो भी कांटे कंकड़ हो हम उसको हटा लेते हैं। और यही सीख हम लोगों ने शिक्षा निकेतन से पाई थी तभी हम सब आगे बढ़ सके। और हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि आप अपने बच्चों को जो हमारे संस्कार हैं उनसे लाभान्वित करवाइए। आजकल आप ये देखिएगा कि अंग्रेजी माध्यम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं हम ये रियलाइज करते हैं कि वो बच्चे अच्छे हैं लेकिन उनमें कुछ संस्कारों की थोड़ी सी कमी है। जिस तरह से हमने आज ये बहुत अच्छा महसूस किया कि हमारे बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं मगर उन्होंने गुरुजनों के पैर छुए। आज हम ये कमी पाते हैं अपने समाज में कि बच्चे पैर कम छूते हैं। तो शिक्षा निकेतन में सबसे पहला सबक हम लोगों ने यही दिया था कि गुरुजनों के चरण छुइए। और उसमें हमारे त्रिपाठी जी ने एक दिन एक बात कही थी वो हमें आज भी याद है कि गुरु जी के जो हम पैर छूते हैं तो उनका अंगूठा स्पर्श करते हैं तो उनके जो जो संस्कार है वो हमारे अंदर आते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे बच्चों में भी हम ये संस्कार डालें तो बहुत ही अच्छा होगा। हेलो हाय से हट के थोड़ा सा आप लोग उनको ये सब सिखाएं। तो इसी बात के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं और सभी का दिल से स्वागत। और जितने छात्र हैं मैं पूर्व छात्र नहीं कहता इसलिए देखें कि अभी भी मैंने लिख रखा है कि छात्र सम्मानित छात्र सबको मेरा प्रणाम। जो चाहे ऑफलाइन जुड़े हैं या ऑनलाइन जुड़े हैं सबको मेरा प्रणाम। मुझे लगता है कि बहुत टाइम हो चुका है, अब समय बहुत कम लेट हो रहा है। बच्चे जो आपके परिवार से आए हैं और सभी लोग जो आए हैं आपके परिवार से भूखे भी होंगे तो मैं बहुत ज़्यादा देर तक बोल कर उनका भूख और नहीं बढ़ाना चाहता। तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा अपना स्पीच शॉर्ट करूँगा, हाँ थोड़ा स्वीट करने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे एक मित्र हैं जो मल्टीनेशनल कंपनी में ही हैं, MBA किए हुए हैं और अभी फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट से स्विच करके वो अमेजोन ज्वाइन कर। तो एक बार ऐसे ही रात में बात हो रही थी उनसे तो उन्होंने पूछा कि आप अलुमनाई गेट टुगेदर कर रहे हो। मैंने कहा हाँ। तो ऐसे तो डिग्री कॉलेज वगैरह में होते हैं, आपके वहाँ कितने लोग आएंगे? हमने कहा यार पता नहीं लेकिन शुरुआत करके देखते हैं कि कितने लोग आते हैं। फिर हमने जब दूसरी बार बताया कि उसमें 350 से 400 लोग जो हम लोग ने दिसंबर में अलुमनाई गेट टुगेदर किया था उसमें से 350 से 400 लोग जुड़े थे और क्योंकि लाइव था ऑनलाइन हम ज़्यादा लोग को जोड़ नहीं पाए थे तो लाइव कितने लोग जुड़े इसकी गणना मेरे पास नहीं। तो जबकि उसका व्यूअरशिप लगभग 2000 पार है जो यूट्यूब पर अपलोड हुआ वीडियो उस दिन का उसका 2000 से ऊपर लोग ने देखा है, उसमें कितने अलुमनाई थे मुझे नहीं पता। फिर जब मैंने बताया कि रजत जयंती समारोह हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो बड़ा आश्चर्य लगा उसको, बोला अरे यार विद्यालय में भी यह सब चीज होता है क्या? क्योंकि कभी उसने सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं किया था लेकिन हम लोग ने सोचा कि नहीं एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोग मिलते जरूर है। जब 10 साल होता है 15 साल जैसे बहन पल्लवी जी ने जब कहा कि 10 साल होने के बाद हम लोग मिले थे, एक बार साई संपदा जी ने कहा कि 10 साल के बाद हम लोग मिले थे तो मुझे लगा कि जब 25 साल हो गए हैं। फिर कुछ लोगों से बात हुआ जैसे मेजर साहब थे, अनिरुद्ध व्यास है, ये लोग से बात हुआ तो इन्होंने कहा कि नहीं सर हम लोग मिलते तो हैं ही, इस साल रजत जयंती है तो हमने कहा विद्यालय क्यों नहीं आते?
और ये मैं केवल इसी बैच से नहीं, हर एक बैच, चाहे वो 2017 बैच का भी बच्चा हो, 18 का भी हो, अगर वो हमारे विद्यालय में आता तो मैं उससे यही कहता हूँ कि जब भी आपका गेट टुगेदर करने का मन हो तो आप बस एक कॉल कीजिए, मैं हर एक तरह का फैसिलिटी तैयार कर दूँ। आपको बाहर में मोती झील में मिलने का जरूरत नहीं, आपको बाहर कोई व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है, बस आप एक कॉल कर दीजिए, आपका एक कॉल काफी होगा हमारे लिए कि हम यहाँ व्यवस्था करवा। तो प्लानिंग हुई और जैसे मैं अभी पत्रकार से भी कह रहा था कि बस दिन का जुड़ता गया और पता नहीं कैसे इतने लोग मिल गए, ये मैं सौभाग्य ही मानता हूँ और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम यहाँ आयोजन कर पा रहे हैं। और एक समय भी है, जैसे मैंने उनसे भी कहा कि टेक्नोलॉजी ऐड कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी ऐड करने के माध्यम से ही आज देखिए कि इतने 40 लोग या 50 लोग जो भी हैं ये मिल पाए। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होता तो हम कभी प्रयास भी करते, क्योंकि कोई हांगकांग में है, कोई यूएसए में है, कोई मॉरिशस में है ना, तो इतने दूर रह के एक साथ एक समय में समय निकालकर यहाँ उपस्थित होना इम्पॉसिबल हो जाता। तो ये टेक्नोलॉजी का ही माध्यम है जिसके कारण आज हम लोग इतने बड़े संख्या में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। एक मेरा ऐसा मानना है कि जिस कारण से आज आप लोग यहाँ आए हैं, मैं पत्रकारों को भी मैंने शायद वही कहा कि जैसे वट वृक्ष होता है उसके तने अलग अलग डायरेक्शंस में होते हैं, जो पेड़ होता है उसके जो स्टीम होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में होते हैं, लेकिन उसका जो जड़ होता है वो फिक्स होता है। तो शायद शिक्षा निकेतन आपका जड़ है, इसीलिए आप अलग अलग डायरेक्शन में फैल जरूर गए, लेकिन जब जड़ बुलाता है तो आप जरूर अवश्य चले आते हैं, यहां से जुड़े हुए हैं। एक और आप लोगों से अनुरोध है कि विद्यालय को आप सजेस्ट करें कैसे विद्यालय और आगे बढ़ सकता है। आप लोग अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं, आपके बच्चे भी बहुत सारे विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, आप लोग नए युग में हैं, नए तरीके से जानते हैं, सब चीज अलग अलग फील्ड में है, तो आप हम एक मैसेज करेंगे, मेरा नंबर है उसमें और मेरा ईमेल आईडी है, आप सभी लोगों से सादर आमंत्रण है कि आप उसमें मैसेज डालें, आपका एक एक सजेशन हमारे लिए मूल्यवान है। तो आप जो भी सजेशन देंगे हम प्रयास करेंगे कि हमारे आने वाली पीढ़ी जो आपके छोटे भाई बहन है उनको जितना लाभ मिल सके उतना हम उनको दे सके। हम लोग ओपन है, सजेशन के लिए ओपन रहते हैं और हमेशा अलुमनाई के टच में रहते हैं। लास्ट में एक चीज कह के अंत कर देना चाहता हूँ अपना भाषण, पिछले बार भी मैंने ये चीज कहा था कि मुंबई से जब मैं यहाँ आ रहा था तो एकमात्र कारण, मुझे मुंबई में मेरा अच्छा खासा जॉब था, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे वहां, लेकिन जब बरिस्टर साहब के पुत्र आदरणीय बीरेंद्रजीत सिंह जी ने मुझे ऑफर दिया कि हमारा एक स्कूल चेंज चलता है आप लोग आइए एक बार देखिए, उन्होंने देखने नहीं बुलाया था क्योंकि वो आरएसएस में हमारे बहुत सीनियर है, बहुत बड़े पद पे है, तो उनका आदेश हो जाता है, तो उन्होंने कहा एक बार आइए देखिए, तो हमें नहीं पता था कि हमको घेर लिया जाएगा, इसलिए बुलाया ही नहीं जाएगा बल्कि हमको जबरदस्ती बिठा दिया जाएगा। तो फिर हम लोग विचार करना जब शुरू किए तो आप लोगों के बारे में पता चला, तो हमने कहा कि नहीं विद्यालय तो पता नहीं जो भी होगा लेकिन उनके अलुमनाई अगर इतने बड़े बड़े पोस्ट पर है, इतने जगह जगह पर है, तो जरूर कुछ ना कुछ उनके शिक्षकों के साथ होगा, उनके अलुमनाई में होगा, कुछ संस्कार।